के बाद में लॉकडाउन खुल गया, लॉकडाउन खुलने के बाद में भी आज बाज़ार में भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ पर सब्जियाँ भी बाज़ार में आ चुकी हैं, अवेलेबल हो चुके हैं। आज के दिन में बाज़ार में बहुत सस्ता सब्जी भी हो गया, जो टमाटर 40 से 50 रुपये किलो हो चुका है। क्या क्या खरीदा तू? बैंगन है, आएगा ना टीवी में आएगा। बता बता तेरा जी क्या क्या रेट है? अरे तो टना उठा मारो साइडो, अटका अटका क्या? अब बताइए टमाटर क्या रेट भेज रहे हैं? 50 रुपये किलो है, बैंगन 25 है, मटर 40 है और करेला 40 है और जोनी 30 रुपया, खीरा 30 रुपया, माखन 12 रुपया, बंदा 30, उमरू 20 और खेपर रोटी 40। चलिए अब बिक्री बेटा आज कैसा? आज कई दिन बाद खुला दुकान आपका? भीड़ भाड़ है, ठीक है। अभी हमने लोगों ने देखा, एक सब्जी वाले पूछा गया वो क्या क्या रेट बेच रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया। अब वो भी कहते हैं बाज़ार का जो रेट है, सब्जियों के रेट है, सामान्य के स्थिति में आ रहा है और कोई खास भीड़ भाड़ा का भी आज के दिन में बाज़ार में है। लोग कई दिनों से जो सब्जियाँ नहीं थी, आज सब्जी लेने के लिए मंदलिया फील्ड में आ चुके हैं। आज देख रहे हैं मंदलिया में भी सब्जी वालों का ठीक बिक्री बटा हो रहा है। और एक दूसरे तरफ देख सकते हैं संबलपुर PWD ने जो यहाँ पर जितने बांस वांस लगा रखे थे सारे टूट गए, यहाँ तक कि उनके गर्मियों में जो प्लास्टिक जरी लगा था वो भी खोल के ले गए। अब ये लोग अपनी तिरपाल अपना प्लास्टिक खुद बंदोबस्त कर रहे हैं। आइए देखते हैं आलू प्याज, आलू प्याज का भी क्या रेट है पूछते हैं। को आलू कितना लगा अभी पूजा? आलू कहते 35, और प्याज पूरे टमा के जी तुमने बोटी कहते टमा लगा ना सोन 10 टमा लगा बोटी भी ना सोन। अभी देखते हैं यहाँ पर आलू का दाम 35 रुपये किलो बिक रहा है और प्याज का दाम 20 रुपये। आज जो बाज़ार का बट्टी होता है, टैक्स जो होता है 10 रुपया लिया जाता है, जो अनलीगल भी बोला जाता है कि उसके बिना टेंडर का यहाँ पर भी 10 रुपया करके बट्टी लिया जाता है। आज जसवीर सिंह की रिपोर्ट, आपकी आवाज़ संबलपुर। ठीक ठाक ना सब्जी सब्जी लेवे।